नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरिंदर परिहार और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डीडीसी कैंडिडेट चिराला से, जो कि वहां पर अभी इलेक्शन लड़ेंगे। वो के भारद्वाज सर हैं हमारे साथ में। इनसे जानेंगे कि सबसे पहले सर आपका वेलकम है NH1 न्यूज़ में। वेलकम जी, मैं आपके मीडिया का, आपके जो चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनने हमारे लिए कीमती टाइम निकाला। तो बाकी जी आपके चिराला के अंदर जैसे कि लोग अभी सभी लोग यूथ है हमारा सारा खड़ा हुआ है DDC इलेक्शन में, तो आप भी अपने वहाँ पे एजुकेटेड हैं आप, और आप जानते हैं चीज़ों को कि डेवलपमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या आइडियाज़ हैं आपके लोगों को लेकर। हमारे इलाकों की कोई बड़े इशू नहीं होते हैं, छोटे छोटे इशू होते हैं। जो ये लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बनी है। इससे क्या रहेगी, एक छोटे जो 12 पंचायतों को मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है चराला, जिसमें अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, शेरना से लेकर भेला, पांथान, जुगोता, चक्सू, पनशी है, रुकाली है, हमारा सुनाठावा है, चराला है, भलारा है, तो ये सब पंचायतें इसमें हैं। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट नाम पे ज़ीरो है वहाँ पे, जो 1970 के दौर में होता था ऐसा आज भी है। अगर हाई सेकेंडरी की बात करें तो हमारी एक हाई सेकेंडरी है जिसमें परमानेंट एक प्रिंसिपल की पोस्ट है, मगर प्रिंसिपल जो है परमानेंट वहाँ पे अभी तक नहीं दिया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, तहसील हमें है मगर वहाँ तहसीलदार परमानेंट नहीं है। BDO ब्लॉक हमारे पास है लेकिन परमानेंट जो है BDO वहाँ नहीं बैठता है। तो ये सारी दिक्कतें हैं, सारी प्रॉब्लम है। TSO है नाम का, लेकिन TSO हमने कभी वहाँ नहीं देखा है। उसके अलावा जहाँ तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ पे आपका पुलिस पोस्ट होनी चाहिए, वहाँ पे हमारे बैंक होना चाहिए जो हमारी बेसिक नीड है। उसके बाद PHC सेंटर वहाँ पे होना चाहिए जो बिल्कुल नहीं है। तो आबादी के लिहाज से 20 से 25 हज़ार की आबादी है, तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में और जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर हैं, उन पे ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं और ये सब कुछ वहाँ पे नहीं है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले दिवाली की बात है, दिवाली के एक दिन पहले वहाँ पे लाइट चली जाती है और आज तक वहाँ पे लाइट नहीं है। तो आज की जैसे दौर में वहाँ पे लाइट नहीं है। रात को भी हम व्हाट्सएप में पढ़ रहे थे, कई सारे लोग कह रहे थे कि DDC जो कैंडिडेट हैं वो ये करें वो करें। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग सरपंच बने हैं वहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं? जो सरपंचेज हैं उनका काम है, वो क्या कर रहे हैं? उनको लिखना चाहिए, उनको करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ के आजकल नुमाइंदे हैं। अब जो नए कैंडिडेट खड़े हुए, तो सिर्फ खड़े हुए हैं, उनको नहीं है अभी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये स्टेप उठाया। क्यों उठाया? कि मेरा अपना घर है वहाँ पे, मैं खुद वहाँ पे वहाँ से लोकल हूँ और मेरी फैमिलीज़ हैं, घर है, मेरा पूरा इलाका जो चराला है मेरी पंचायत है, मेरा होम टाउन है। अब हमारे होम टाउन में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बुरा हाल है। हाल ही में अभी मेरी DC साहब से मुलाकात हुई, DC साहब से मार्क करवा के लाया। मैंने कहा सर अभी हमें चीज़ें ज़रूरी हैं, बेसिक नीड जो है ये हमें ज़रूरी है, और उनने भी आश्वासन दिया कि ये हो जाएगा और शायद आज शाम तक लाइट भी वहाँ आ जाएगी। और उसके बाद में मेरी एक्सियन से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा शाम तक लाइट आ जाएगी। उसके बाद जो ज़रूरतमंद जो हमारे 20 लोहे के पोल हैं जो सर्विस लाइन है, बाकी जो हमारे 250-300 पोल हमें लगते हैं वो अलग बात है, वो टेंडर के हिसाब से होगा, वो वक्त से होगा, लेकिन जो लाइट आने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो अभी मैं अभी करवा के आ रहा हूँ और ये कागज़ भी आपके सामने पड़ा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी, बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड्स हैं हमारी, जिसके लिए कोई लड़ता नहीं है। लड़ता है तो बस अभी अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे हमारी भेला पनशी रोड ही है। अब भेला से लेकर पनशी तक रोड की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, खड्डे बन चुके हैं बीच में रोड के। तो कहीं हम नहीं कहते कि चलो जी रोड ही पूरी बना दो या ऊपर से मेटलिंग पूरा आप ब्लैक टॉप कर दो, कहीं से वो खड्डे तो भर दो हैं, कम से कम फिलअप हो जाए, खड्डों की फिलिंग हो जाए, गाड़ियां चलने में आसानी हो जाती है। जिन लोगों ने गाड़ियां डाली हैं उनका बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये नाइंसाफ़ी है। जहां आप कई और देखे बहुत सारी अच्छी रोडें बनी हैं, ब्लैक टॉप इतना अच्छा होता है, हमारे वहां मटेरियल अच्छा नहीं डरता, ब्लैक टॉप हो रहा है, पर ब्लैक टॉप होने के नाम पे अगर देखेंगे, आज अगर आप हमारे वहां चक्कर लगाइए देखिए वो रोड बनी है ब्लैक टॉप हुआ है, लेकिन वही रोड को देखने के लिए जब आप मार्च में आएंगे तो वो शायद मुझे खड्डे नज़र आएंगे, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी हो जाएगी। वो ब्लैक टॉप अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो ब्लैक टॉप हो रहा है वो हमारे वहां पे 0 किलोमीटर वहां से बोलते हैं आगे ब्लैक टॉप हो रहा है वहां तक होगा, लेकिन पनशी चक्सू की बहुत बुरी हालत है।
मैं इवन कि कल ही मैंने परसों टूर किया है, और जो मैंने कल रात को देखा ये बिजली का, मैं किसी इलाके में था, मैंने देखा व्हाट्सएप में काफ़ी चल रहा है कि बिजली बिजली बिजली, उसके बाद में मुझे डोडा आना पड़ा। इसी दौरान आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा हुआ हमारा कि हमारा डोडा टूर लगा। मैं स्पेशली डिस साहब के पास इस बिजली के लिए गया था, और बिजली तो आज आ जाएगी लेकिन इसको सुधार, इसका सुधार भी हो जाएगा, ये हमारी कोशिश लगी है। आप नए हो पॉलिटिकल फील्ड में, तो कैसे पुराने जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स जानते हैं तो कैसे कम्पीट कर पाओगे? सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पुराने पॉलिटिशियन जो हैं हम नए हैं, 10 सालों से मैं सियासत में अपने इसलिए समझता हूँ कि एज ए सोशल वर्क मैं करता हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, सोशल वर्क कर रहा हूँ 10 सालों से। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कई सारे पॉलिटिशियन हैं जिनसे मेरी बात हुई, जो कैंडिडेट थे, जिनने कहा कि 10 से 15 लाख रुपए खर्च होने वाला है। और मेरे भाई साहब जो 10 से 15 लाख खर्च करेगा, जो जब तक उसका 30 लाख वापस नहीं आएगा तब तक आप लोगों को कुछ नहीं देने वाला है। तब तक मैं बोलना चाहूँगा चलाला कि आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला जब तक वो 15 का 30 ना हो जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि 15 का 30 लाख, 15 लाख खर्च कहाँ होने वाला है, क्यों होने वाला है, कहाँ पे खर्च होने वाला है? जो जाहिर सी बात है गाड़ियों पे खर्च होगा, जो जाहिर सी बात है किसी को खाना खिलाना है, जो जाहिर सी बात है जो है खर्चा वो तो होगा, लेकिन 15 लाख का ऐसा कोई खर्चा नहीं है। वो सीधा सीधा बात है कि अपना ज़मीर बेचना, वोट बेचना मतलब अपना ज़मीर बेचना। मगर ये कुछ लोग सोचते हैं कि आज लोग बिकेंगे, इस बार लोग बिकने वाले नहीं हैं। लोग समझ गए हैं कि एक बार वोट बेच दिया तो 5 साल के लिए अपनी तकदीर को बेच दिया, 5 साल के लिए अपनी तकदीर को, अपनी डेवलपमेंट को धक्का मार दिया। तो मुझे लगता है कि हमारे चराला के हालत बदलेंगे, चराला के लोग समझते हैं। मुझे कई लोगों का इशारा आया है कि आप खड़े हो जाएं, आप लड़ें, हम आपके साथ हैं। अब कई सारे लोग, पुराने लोग, दिग्गज लोग आ रहे हैं, बीच में फिर से वही लोग रहेंगे, फिर से वही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और फिर से वही जो ठेकेदार हैं वही आपके पास आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, और कई तो ठेकेदार जो हैं आपके लिए आपके नाम के पैसा भी ले चुके होंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना ज़मीर, अपनी डेवलपमेंट मत बेचें। हमने भी देखा है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं पहले गांव में आते हैं, लोगों के बीच आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, और फिर बाद में भूल जाते हैं लोगों को। तो आपका अपने लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? मेरा एक यही मैसेज है, अब मैं आपको सबसे बड़ा मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो इलाका चिराला है ये भलेस और भद्रवाह के बीच में एक बेल्ट पड़ती है, जो भेला थलेला से लेकर जोड़ा हलारन तक जो है इसको चराला बोलते थे। लेकिन मैं डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आपको एक बात बोलूँगा कि जब तक चराला की लीडरशिप जिंदा नहीं होगी, जब तक वहाँ से कोई लीडर नहीं बनेगा, तब तक उसका भविष्य नहीं बन सकता, तब तक वहाँ बैंक नहीं आ सकते, तब तक जब तक लीडर कोई बोलने वाला ना हो, आगे आने वाला ना हो, चलने वाला ना हो, तो एक लीडर को वहाँ से जन्म देने के लिए ये सबसे बड़ी पहल है। और मैं चाहूँगा कि आपकी मर्ज़ी है, आप एक अच्छे लीडर को सामने लाएं जो आपके मुश्किलात हल कर पाए, जो आपको समझ पाए, आप उसको समझ पाएं। तो इस यही मैं कहना चाहूँगा, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं। जिसने वोट देना है वो सोच समझ कर वोट देगा, और इस बार ऐसा नहीं होगा जैसे पहले होते आ रहा है। जी ये थे के भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि जो पुराने पॉलिटिकल सिस्टम था अब उसको, उसमें रेवोल्यूशन आएगा। ये देखने को मिल भी रहा है कि डोडा के अंदर नौजवान जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि यूथ आगे आकर लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है। तो इन्होंने जैसे कहा कि बेसिक इशू के ऊपर ये लड़ेंगे, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमने भी आपको दिखाते आए हैं हमेशा कि गांव एरियाज़ में बेसिक चीज़ें ही नहीं होती। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात की, पानी की बात की, ये सब जो चीज़ें हैं ये गांव एरियाज़ में नहीं होती। तो ये भी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं, और आप यूँ ही देखते रहे NH1 न्यूज़, और हम और आपको मिलाते रहेंगे नौजवान DDC जो भी कंटेस्ट कैंडिडेट्स हैं उनसे मिलाते रहेंगे जो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये थे के भारद्वाज, आप यूं ही देखते रहे NH1 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुरेंद्र परिहार, डोडा।